हाय गाइस, मेरा नाम इतना आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल इतनोशील को स्वागत है आप सभी का फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स का फोर्थ एपिसोड पे। दोस्तों लास्ट एपिसोड पे हमने सीखा था कि फेसबुक पेज को कैसे प्रॉपरली क्रिएट किया जाता है। अगर उस एपिसोड को किसी भी दोस्त ने मिस किए हो तो ये एपिसोड के बाद जरूर देख लेना। आज के एपिसोड पे हम बात करेंगे, पेज तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब पेज को सेटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले कोई भी विजिटर अगर आपके पेज को देखते हैं तो उसको जो सबसे पहला चीज अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी यूजर व्यूअर है उसके दिमाग में रह जाता है वो है आपके लोगो। तो यहाँ पे लोगो आप देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब हमने पेज किया मतलब क्रिएट किया तब जो नेम से मैंने स्टार्ट किया था उसका पहला अक्षर ले लिया है बाय डिफॉल्ट। मगर हम लोग इसको कस्टमाइज करने से बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा और उसके साथ कोवर बिल्कुल खाली है तो कोवर पिक्चर भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट पे जो सबसे ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज मतलब देगा आपको आगे चल के वो है ये वाला बटन, क्योंकि ऊपर का जो ये बटन रहता है इसको भी हमको सेटअप करना होता है। यहाँ पे हमको फॉलो बटन लगाना होता है ताकि हमारे पेज पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो मिले, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। लोगों के पास अगर ऑप्शन कस्टमाइजेबल होगा तो ही लोग आपको फॉलो करेगा। तो आज के इस एपिसोड पे हम सीखेंगे कि कैसे हम कस्टमाइज लोगो बनाए और उसको अपलोड करें और उसके साथ कैसे कोवर पिक डाले कस्टमाइजेबल, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हैं स्पेशली न्यू क्रिएटर, क्योंकि उन लोगों को लोगो बनाना नहीं आता और कस्टम कोवर बनाना भी नहीं आता है। मगर ये दो चीज़ अगर हम लोग अच्छे से बना ले स्टार्टिंग में ही तो हमारा पेज का जो लुक है बहुत अच्छा हो जाएगा, सेटिंग बहुत बेहतर दिखने के लिए लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, गलती बेसिकली दोस्तों जो न्यू क्रिएटर होते हैं वो लोग कहीं दूसरे तीसरे प्लेसों से लोगो उठा के डाल देते हैं, कहीं दूसरे तीसरे जगह से कोवर पिक्चर डाल देते हैं जो कि कॉपीराइटेड होता है या फिर रीयूज कंटेंट होता है और उसके वजह से पेज पे पॉलिसी इशू आता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें साफ सुथरा अपना द्वारा क्रिएट किए गए लोगो और कोवर ही डालना है। और ये सबसे आसान वे में कैसे करना है वही मैं आज के इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे, क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे कैनवा, क्योंकि ये जो कैनवा ऑनलाइन टूल है ये टूल बहुत इफेक्टिव है आपको फ्री में लोगो डिजाइन करने के लिए, वो भी बेसिक से बेसिक। जिनको कोई भी मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं आता है, जिनको कोई भी मतलब आप लोगो डिजाइनिंग नहीं आता है, वो बंदा भी आंखें बंद करके इस वेबसाइट के तहत अपना अच्छा से अच्छा कस्टमाइज लोगो एंड कोवर पिक्चर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये canva.com पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये वाला जो डिजाइन लेआउट है या फिर ये वाला जो वेबसाइट है इस पे फ्री में आप लोग लोगो एंड कोवर डिजाइन कर पाओगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। तो अभी मैं इस पे साइन अप वगैरह नहीं करूंगा, आप लोग जब यूज करोगे तो साइन अप लॉगिन ये सब कर लेना जो कि बहुत इजी स्टेप होते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिंपल लोगो आप बेसिक वे में कैसे क्रिएट करोगे। तो इसके लिए देखो दोस्तों, जैसे आप कैनवा के इनसाइड आओगे तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिखने के लिए मिलेगा, मतलब इनबिल्ट टेम्पलेट, सिर्फ आपको कस्टमाइज करना है, इधर उधर थोड़ा सा घुमा के फिरा के आपको डिजाइन रेडी कर लेना है। तो अभी फिलहाल मैं करूंगा लोगो डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन के नीचे लोगो लिखा है, आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो डिजाइन जो है डिजाइन लेआउट फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट लोगो दिखने के लिए मिलेगा और इन्हीं लोगों में आप लोग थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके इसको अपना खुद का बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो फ्री, मतलब ये सारे टेम्पलेट जो है फ्री है। तो आपको इन्हीं में से फ्री टेम्पलेट जो आपके लिए आपके पेज के लिए बेहतर लुक पे लगे उसी को आप ले लेना। फ्री वाला आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगा, इधर से आप ले सकते हो कोई भी लोगो को। से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बहुत ही सिंपल सा एक लोगो लेता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए।
तो ये वाला मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, ये फ्री है, तो आपको सिंपली से इस पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला लोगो आ गया है। अब इस पे सिंपली से मैं कस्टमाइज करूंगा, जैसे ये नाम मेरा नहीं है मैं चेंज कर दूंगा, मेरे लोगो पे मैं चाहता हूँ मेरा ही नाम आए, तो मैं मेरे नाम जो है उसको टाइप कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया मेरा नाम, और यहाँ पे ये जो छोटा वाला हिस्सा है इस पे भी मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि हम लोग इस पेज पे शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा लोगो रेडी, एकदम सिंपल सा है। तो लोगो रेडी हो गया, अब इसको क्या है आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना है और PNG फॉर्मेट पे आप निकाल लो डाउनलोड पे क्लिक करके, तो ये अभी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 मिनट से भी कम टाइम में मैंने एक लोगो बना लिया है। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया, आप चाहो तो इससे भी बेहतर वे में यहाँ से टेम्पलेट लेके अपने पेज के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया लोगो के बाद, अब जो मैं करूँगा वो है हमारे पेज के लिए कोवर। कोवर के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को इनबिल्ट जो है टेम्पलेट मिल जाएगा। मैं फिर से कैनवा का होम पेज पे चला आया हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा कि फेसबुक कवर कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक कवर लिखा है, तो ये टेम्पलेट है फेसबुक कवर क्रिएट करने के लिए। तो इस पे सिंपली से मैं कर दूंगा क्लिक, जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे जैसे लोगों के लिए फ्री में टेम्पलेट था वैसे ही आपको कवर के लिए भी फ्री में बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप चाहो तो कोई भी उठा सकते हो, तो मैं अभी फिलहाल आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए ये वाला ही उठा लेता हूँ, क्या कहते हो, ये फ्री है तो मैंने ये उठा लिया। अब यहाँ पे जाके ये थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ मेरा तो मैंने लिख दिया, मैं चाहता हूँ पूरा नाम लिखूँ तो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके आप लोग जो है, बहुत ईजी है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, अगर कोई भी नया बंदा हो थोड़े दिन यूज करोगे तो पूरा सीख जाओगे। अब देखा ये हो गया, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो लिख दूंगा, तो ये वाला पार्ट पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है और लिखना है, इतना आसान है। जिसको कुछ भी नहीं आता एडिटिंग, या फिर जिसको कुछ भी नहीं आता है कैसे डिजाइनिंग किया जाता है, वो बंदा भी आराम से कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैं इस पे शॉर्ट वीडियो ही डालूंगा। ये मेरा अभी कोवर रेडी हो गया है। आप चाहो तो ये सारे जो बैकग्राउंड इमेज है उस पे भी आपका इमेज लगा सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ पहले अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है तो ये चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो ऊपर पूरा रोल वार आ जाता है, जहाँ पे आप आपके ये जो फॉन्ट है इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके एक एक फॉन्ट आप लेके चूज करके यहाँ पे कर सकते हो। कुछ प्रीमियम है जो आपको खरीदना पड़ेगा, और कुछ फॉन्ट जो है फ्री में है, तो हमें फ्री में जो फॉन्ट मिलता है वही लेना है, पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें फेसबुक से इनकम करना है, फेसबुक को पैसा देना नहीं है। और यहाँ पे साइज देख सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे कलर है तो कलर भी चेंज कर सकते हो इन फॉन्ट का, फिर इसको सेंटर वगैरह ये सब भी कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो, इफेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, तो इन इफेक्ट को भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने एक इफेक्ट यूज किया तो ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो गया। तो ये सब करने के बाद इसको भी आपको जो करना है वो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जाऊंगा और फिर से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने मेरे पेज के लिए लोगो भी बना लिया, और उसके साथ मैंने मेरे पेज के लिए कवर भी बना लिया। अब मैं चला जाऊंगा मेरे पेज के अंदर, तो यहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है, व्यू फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है, ये आपका जो ऑलरेडी फोटो है वो शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, तो यहाँ पे मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा और एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे अपलोड करना है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड पे चला जाता हूँ। तो ये वाला शायद मेरा जो अभी पिक्चर है वो है, शायद कौन सा लोगो है मुझे भी याद नहीं, देखता हूँ डाउनलोड करने के बाद, अपलोड करने के बाद कौन सा आता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये एक्चुअली
कोवर पिक्चर है तो इसको मैं रहने देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये नहीं करना है हमें, हमें दूसरा वाला करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने किया था पहले लोगो उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अपलोड फोटो पे जाके ये वाला हम लोगों का लोगो था, तो ये हम अब यहाँ पे ले लिए। देखे आपने हमारा कस्टमाइज लोगो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो लोगो का, मैं दे देता हूँ मेरा ही ब्रांडिंग, ताकि इन लोगो या इस नाम से कुछ भी सर्च हो तो मेरा ही पेज जो है सामने आए। ये सब SEO वैल्यू के लिए लिखा जाता है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखना मेरा कस्टमाइज लोगो शो करना शुरू हो जाएगा। तो जो भी बंदा सोचते हो कि ये लोगो वगैरह क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, वैसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ। लोगो आ गया, अब कोवर भी मुझे डालना है तो कोवर पे जाऊँगा। तो अभी अपलोड करना है मुझे कोवर पिक, तो ये वाला मैंने कोवर क्रिएट किया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसका साइज क्या होगा, कितना होगा, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लेके रखा गया है। आपको सिर्फ ड्रैग करके इन सारे पोजिशन को सेट करना है, ऐसे ड्रैग करके पोजीशन पे सेट करना है। ये हो गया, अब मैं इस पे भी सेव चेंज मार दूंगा। तो ये मेरा अभी प्रोफेशनल पेज जो है क्रिएट हो रहा है। अब देखो पहले कितना बेकार लग रहा था और अब कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हमें जो करना है आज के एपिसोड पे वो है फॉलो बटन, क्योंकि जब भी कोई विजिटर आपके पेज पे व्यू करने आता है आपके पेज के अंदर, तो सबसे पहले कोवर लोगो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ फॉलो बटन हो जाए ऊपर, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है लोगों को फॉलो कराने के लिए। तो एडिट सेंड मैसेज, ये अभी बाय डिफॉल्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है, और सबसे ऊपर रहता है फॉलो, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट कर दोगे तो ये बटन चेंज होके अब फॉलो बटन हो गया। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पेज का ऊपर वाला हिस्से का पूरा सेटिंग जो है वो कॉम्प्लीट हो गया। तो आज के एपिसोड पे मुझे यही आप लोगों को सिखाना था। होप आप लोगों ने इस एपिसोड को काफी हद तक एंजॉय किया है। नेक्स्ट एपिसोड पे पेज के अंदर के इन डेप्थ सेटिंग के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो सही में आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी फेसबुक पेज क्रिएट करना, फेसबुक को सीखना बहुत आसानी हो। मिलता हूं अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मन पे मकर नाम करो दोस्तों। बाय।